तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट टू में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर को। ये क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स। तो गिवन में हम लोग क्या राइट करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन। हम लोगों को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, के का। हमारे पास जी एक्स क्या दिया हुआ है, तो जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस वन। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्स का, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू हो जाता है जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, के का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम लोग जीरो क्यों करें, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि x माइनस वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हम लोगों को फैक्टर फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो हम लोग पास x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग वन पुट करते हैं, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन ही होगा, और वन को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के हो जाएगा माइनस अंडर रूट टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू होता है, सॉरी अंडर रूट टू ही होता है, प्लस का वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये के इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का वन है इक्वल टू के, तो जाके हो जाएगा माइनस का वन। यहाँ पे ये माइनस का अंडर रूट टू है, इधर जाके वो हो जाएगा प्लस का अंडर रूट टू। तो इस तरह से के का वैल्यू जो है वो क्या आता है, माइनस वन प्लस आता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं, फोर में हम लोग सोल्यूशन में राइट करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। तो जी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो जी एक्स का तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है, एक्स माइनस वन ही है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, एक्स का फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा प्लस वन। अब हम लोगों को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, के का। तो के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग को क्या पुट करना है, वन पुट करना है। तो के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो, यानी कि वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन को के से मल्टीप्लाई करेंगे, के माइनस थ्री वन जा थ्री, यानी कि हो जाएगा माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो यहाँ पे के दो ठे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे मैं आगे करती हूँ, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू के इक्वल टू थ्री, क्योंकि इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ये माइनस का थ्री दिया हुआ है, इक्वल टू किधर आएगा तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे के साथ टू जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन टू हो जाएगा। तो इस तरह से के का वैल्यू क्या निकलता है, थ्री अपॉन टू निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें टोटल दो पार्ट था, इससे पहले की क्लास में हम लोग पार्ट वन को सॉल्व किए हैं और अभी हम लोग पार्ट टू को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, और इन सारे क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।